नमस्कार, सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, इस ग्रुप में जितने भी बच्चे जुड़े हैं, हमको लग रहा है कुछ ही बच्चे सवाल को लगा रहे हैं, बाकी लेक्चर को सुनकर निकल जाते हैं। तो हम इन सभी लोगों को आगाह करते हैं कि ये सभी लोग बुधवार तक सभी प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को ट्रेस करके भेजेंगे अपना नाम लिख करके। जो लोग भेजेंगे उतने की उपस्थिति हम समझेंगे, बाकी को ऑप्शंट मानेंगे। तो इसलिए अभी से शुरू हो जाइए, ये कोई चुटकला का क्लास नहीं है कि सुनकर निकल जाए। इसी आधार पर तुम्हें परीक्षा भी देनी रहेगी और समय कम ही हो रहा है, तो इसलिए गंभीरता लाएं। सभी लोग बोर्ड के हैं तो बोर्ड के अनुसार मेहनत करें, क्योंकि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। लापरवाही करेंगे अंक डाउन होगा, अगर 500 प्लस नहीं है तो इस अंक का कोई मतलब नहीं है, रद्दी हम समझिएगा। 500 प्लस तब समझो कि तुम पास हो, इसमें लगे रहना। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं टॉपिक पर। इस समय हम कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों को अभ्यास प्रश्न 7.2 के आंकिक प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्रमेय को हमने क्रमशः समझाया और उसे सिद्ध भी करवाया। दो चार प्रमेय हमने वैसे समझा दिया, कहा उसको कर लेना। यह भी हमने बताया था कि यही प्रमेय अभ्यास प्रश्न में सूत्र के रूप में उपयोग में लाए जाएंगे। और तुमने देखा भी होगा इस प्रश्न वाले का हमने अभी तक एक सवाल बताया था और उसमें किस तरीके से उपयोग में आया। इसका दूसरा सवाल बिल्कुल उसी जैसा है, हमने कहा था लगा लीजिएगा। तो बाकी इधर के सवाल देखिए, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल नंबर है तीसरा, थोड़ा अलग टाइप का है, ये देख ले। 10 सेंटीमीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक उसी समय एक मीनार की छाया 20 सेंटीमीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चित्र इस प्रकार बनेगा, पहले 10 सेंटीमीटर ऊंची एक छड़ी है, मान लो एक छड़ी है, इसका नाम दे देते हैं। और ये भी कोई छड़ी है तो इसकी छाया नीचे बनेगी, ठीक। मतलब ये छड़ी है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सवाल नंबर है तीसरा, ये इसकी छाया हो गई, छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर। इसको यहां से हम फिर क्या कहते हैं, ठीक उसी समय एक मीनार है जिसकी छाया 30 सेंटीमीटर है, ये कोई मीनार है और इसकी छाया 30 सेंटीमीटर। इसको यहां से मिला देते हैं, सीधा जाएगा बिल्कुल
स्ट्रेट सीधा इसका नाम दे देंगे ए बी। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं 1 मीटर है, ये 90 अंश है। और दूसरी तुम्हारी जो इसकी छाया हम बी सी मान लेते हैं, बी डी ए बी की छाया है और सी डी ई सी की छाया है। समझ रहे ना? देखें इसमें ए बी है मीनार जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, वह ऊंचाई हमने 1 मीटर माना या 1 सेंटीमीटर माना। इस मीनार ए बी की छाया बी सी है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ई सी एक 10 सेंटीमीटर छड़ी है इसकी छाया सी डी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मीनार की ऊंचाई पूछता है। यहां देखें त्रिभुज ए बी डी हम मान ले पहले माना मीनार ए बी की ऊंचाई है। त्रिभुज चित्र में माना मीनार एबी की ऊंचाई यच है, बी डी मीनार की छाया है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर दी हुई है। सी डी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी इसी की छाया है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हुई। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज डी सी ई में कोण ए बी डी बराबर कोण डी सी ई बराबर 90। ए बी 90 है, ए बी 90 है, कोण ये डी बी बराबर कोण सी डी ई संगत कोण, दोनों के एक ही कोण है। तो समरूपता के सिद्धांत से क्या हुआ? त्रिभुज ए बी डी इक्विलेटरल टू त्रिभुज डी सी, इसलिए लंब बटा लंब के इसका लंब ए बी इसका लंब ए सी बराबर आधार बटा आधार की यानी बी डी बटा सी डी च
तो समरूपता का सिद्धांत उनको इसमें लगा देने हैं। तो समरूपता कब होगा, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसकी दो भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, समरूप होगा तो उनकी भुजाएं आपस में समान पाती होंगी। ये इसका लंब है तो ये इसका लंब है, ये इसका आधार है तो इसका आधार है। अब मान रख दो इसमें AB का मान तुम्हें निकालना है, H EC का मान तुम्हारा 10 है, BD का मान DED का मान 30 है, बटा CD का मान तुम्हारा 8। गुणा कर दीजिए, 8H बराबर 10 गुणे 30 के, 3H बराबर 10 गुणे 30 बटा 8 हो जाएगा। काटे 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दुनी 4, 2 पंद्रह 30, H बराबर 15 पंचे 75 बटा 2, इसका आधार 37.5। पता नल की ऊंचाई बराबर 37.5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो मेन तुम्हारा लक्ष्य समरूप की तरफ होना चाहिए, अगर जहां तक समरूप हुए तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ केवल समरूप के नियम को लगा करके इस सवाल को तो है ना प्रमेय का उपयोग। सवाल देखिए चौथा भी इसका एक थोड़ा अलग टाइप का है, चौथा भी बताई दे रहा है, हम देख लें, लगा लीजिएगा इसको। चौथा सवाल, चौथा क्या कहता है भैया, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं दी है ये बी और कर्ण दिया है सी, और कर्ण पर एक ऊंचाई एक्स है, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी एक्स। तो समकोण त्रिभुज है, ये बीस कण पर एक बिंदु की मान टी है, इसकी लंबाई दिया है एक्स, तो हमें एक्स का मान निकालना है। देखें अगर ये सी है तो पूरा सी होगा, यही कण होगा, हम बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक दिन, ये है इसे ये मानेंगे, ये बी है इसे बी मानेंगे। देखिए इसको डाला गया तो 90 अंश होगा, तो त्रिभुज ये बी सी अर्थात त्रिभुज BDC कोण ACB बराबर कोण CD, बराबर CDB बराबर कोण BDC बराबर 90। ये 90 है, ये भी 90 है, इधर का भी 90 होगा,
संगत को अग्रहित से क्या होता है 180 अंश का अधिकतम कोण बनता है तो 90 हो गया तो घर का भी क्या होगा 90 हो जाएगा और फिर कोण एबीसी बराबर कोण एडीसी काहे के लिए क्योंकि संगत कोण है और संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं कोण संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं यानी कोण भी बराबर और दूसरा कह सकते हैं हम कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में दोनों के कोण क्या है एक ही है इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ये भी सी बराबर कोण सी बी डी ये कहीं कोण इसलिए समरूपता के सिद्धांत से जहां दो बराबर हुए कोण तो दो भुजा कमेटी बराबर हो जाएंगे त्रिभुज क्या होंगे समरूप त्रिभुज एबीसी इक्विलेटरल त्रिभुज बीडीसी इसलिए क्या होगा लंब बटे लंब इसका ये लंब तो इसका ये लंब एसी बटा सी डी बराबर कर्ण बटा कर्ण के कर्ण क्या होगा इसका इसका कर्ण बीसी होगा उसका कर्ण ए बी होगा बराबर ए बी बटा बी सी यानी लंब बटा लंब बराबर कर्ण बटा कर्ण के नाम उठा करके लिख देंगे जो मान मालूम है वह मान उठा के रख दीजिए और कैसे गुणा कर लीजिए एसी का मान क्या है बी चित्र से देखें सी डी का मान एक्स ए बी का मान ये बी का मान सी और बटा बी सी का मान ये कैसे गुणा कर ले ए बी बराबर सी एक्स यही हमको सिद्ध करना था लास्ट में दीजिए क्या प्रूफ तो इसमें क्या देख रहे हो तुम लोग केवल समरूपता का सिद्धांत के द्वारा तुम दिखा ले जाओ कि अगर त्रिभुज समरूप है तो फट से इसकी भुजाएं समानुपाती होंगी यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है त्रिभुज के संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा तो इस प्रकार इनमें सवाल लगाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने का प्रयास करें जो ना जान पाए पूछे हम बताएंगे तो बस हम यहीं पर रोक रहे हैं बाकी अगले दिन धन्यवाद नमस्कार